जो भूख सो रही है उसके लिए मैं सबसे बड़ा अगर दुनिया में कहती हूँ उसको, तो हमारे वो बाला साहब ठाकरे जी थे। और बाला साहब ठाकरे जी की आज मुझे याद आ रही है। आज महाराष्ट्र की ये पॉलिटिक्स की ये दुनिया जो इकट गुजर हो गई है, अब ठाकरे साहब होते तो ये आज एक जोत होता और मुझे महाराष्ट्र को चिंता भी नहीं होती। ठाकरे साहब के चरणों में मैं नत नत नमन करता हूँ और आप आने वाले दिनों में भी मुझसे जुड़े रहोगे, ये मुझे विश्वास है। इतना कह के मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। वंदे, ये आवाज पूरे महाराष्ट्र में गूंजनी चाहिए। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र। थैंक यू, धन्यवाद। चाहता हूँ कि चाय पे चर्चा मेरा एक नया अभियान था, वो पुराना, वो आज मैं विपक्ष वाले लोग ऐसे कहते हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि मोदी साहब ने कभी चाय नहीं बेची है। मैं चाय आज आपको बना के दिखाया, चाय बेची है, चाय पीना आपको चाहिए तो मेरे जो कस्टमर है वो भी आपके सामने मैं ला सकता हूँ। और मुझ पर विश्वास करो, मैं कोई गलत फहमी में जो आज विपक्ष फैला रहा है उसकी बातों में आप मत आओ। और कुछ इसके अलावा जो पुलिस का और यहाँ के लोगों का साथ सरकार मिला है आपको, उसके लिए क्या कहते हैं? मैं दिल से यहाँ के वहीवटी तंत्र का, जैसे वहाँ पुलिस तंत्र, आप लोग, मीडिया के लोग और ये जनता जनार्दन सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्योंकि ये लोग अगर मेरे से नहीं होते तो आज मोदी मोदी नहीं बनता। मोदी है, मोदी आपकी वजह से है। आप लोग मुझसे जुड़े रहेंगे तो आने वाले दिन इससे भी अच्छे आएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या आप प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे? वहाँ 100% हम जाएंगे और वहाँ हमारी सरकार बन रही है। राजस्थान में तो परिवर्तन होता ही है और बाकी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, हर एक जगह हमारी सरकार बनेगी। मुझे 140 करोड़ भारतीयों में पूरा विश्वास है। आप लोगों ने नहीं देख माना भी होगा कि चालू वोर में भी हमारा तिरंगा लेके हमारे दुश्मन देश के भी बच्चे निकले थे तो वोर भी रुक गया था। ये ताकत है, मोदी की ताकत नहीं है, ताकत 140 करोड़ भारतीयों की है। आज हमने कार्टूनिस्ट 175 कार्टून हम पे बनाया है, ये राव हार्दिक भाई ने, वो कार्टून की बुक का विमोचन हुआ है। और आप नहीं मानोगे, यहाँ के महाराष्ट्र में क्या तो पूरी दुनिया में बेस्ट कार्टूनिस्ट अगर थे तो हमारे बाला साहब ठाकरे जी थे। और बाला साहब ठाकरे जी के चरणों में आज कोटि कोटि में वंदन करता हूँ। अगर आज बाला साहब ठाकरे होते तो ये महाराष्ट्र की ये हालत जो पॉलिटिक्स हुई है नहीं होती। आज एकजुट होते और आगे भी हम, मुझे नहीं लगता कि बाला साहब ठाकरे के हमारे पे आशीर्वाद है और रहेंगे। सर, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बुक का विमोचन हुआ, देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हम 75 कार्टून की एक वो बुक लेके देश के समक्ष आ रहे मोदी राज में हार्दिक। और मुझे आज बड़ी खुशी है कि जूनियर मोदी जी खुद खंडला से एक कार्टून का विमोचन करने आए। और ये पूरी कार्टून की बुक जो राज पाटिल ने बनाई है और ये पूरी जो कार्टून की जो जस रेखा वर्ल्ड के अंदर भी मिले जय भी मिलेगी, मैं हमारे सब पत्रकार भाइयों को समर्पित करता हूँ। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो आज कार्टून विमोचन हुआ है उसके बारे में? जी बिल्कुल, ये तो मेरे लिए बहुत ही सम्मानजनक है क्योंकि इसकी जो नींव रखी है इस बुक की, ये स्टार रिपोर्ट के सर्वे सर्वा हार्दिक भाई हुंडिया और उनकी टीम, ये संकल्पना जो है ये हार्दिक भाई के दिमाग से आई। और जब उन्होंने चर्चा की तो उन्होंने मुझे कहा कि अमृत महोत्सव हमारा देश मना रहा है तो इस उपलक्ष्य में हमें जो मोदी जी ने यहाँ कार्य किए हैं, मोदी जी का काम करने का स्टाइल अलग है, हमें देखना है, हम करेंगे सोचेंगे वाला नहीं है, हम कर चुके हैं वाला मोदी जी का स्टाइल है। तो उसी के ऊपर अब तक जो उन्होंने निर्णय लिए और इसके आगे भी वो निर्णय लेते रहेंगे जो देश के हित में है, तो उसी के ऊपर अब तक जो निर्णय लिए, हर एक निर्णय को लेके एक अच्छा बेहतरीन कार्टून बना है जिसके लिए मुझे हार्दिक भाई ने बहुत सारी प्रेरणा दी है। और बस यही लक्ष्य है कि ये बुक जो है ये आने वाले 2024 के जो इलेक्शंस है इसमें प्रचार पत्रिका बोलकर यूज हो सकती है क्योंकि उसमें मोदी जी ने जो भी निर्णय लिए बहुत ही 101% वहां पे खड़े उतरे हैं
और जैसे आज यहाँ पे जूनियर मोदी जी है, वैसे ही बहुत सारे सम्माननीय वीआईपी वीवीआईपी इस बुक के पहले हर एक कार्टून का विमोचन होगा। ये हमारा 7वां या 8वां कार्टून है, तो आप मीडिया से मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे साथ हमारे स्टार रिपोर्ट को, क्योंकि हम भी मीडिया से ही बिलोंग करते हैं, बाला साहब का इन्होंने नाम लिया, बाला साहब, आर के लक्ष्मण, राज पाटिल और एक राज ठाकरे, ये तो बहुत बड़े कार्टूनिस्ट है। राज पाटिल एक छोटा मोटा कार्टूनिस्ट, लेकिन जो मुझे ताकत और हिम्मत हार्दिक भाई ने दी है इस बुक को बनाने के लिए, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा। और सभी मीडिया पर्सन जो यहाँ पे आए, सभी जनता जो यहाँ पे मौजूद है, उन सबको मैं यही कहना चाहूंगा, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।